अक्षय कुमार की पिछली तीन फिल्में बेल बॉटम, अतरंगी रे और बच्चन पांडे ये बुरी तरह से फ्लॉप रही और अब ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाली जो फिल्म है पृथ्वीराज ये फिल्म भी बहुत बड़ी फ्लॉप होने वाली है, बहुत बड़ी डिजास्टर साबित होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म का अभी से मजाक उड़ाया जा रहा है। लोग यही कह रहे हैं कि अक्षय कुमार जो है वो इस रोल में बिल्कुल भी जम नहीं रहे हैं, बल्कि वो बाला के किरदार जैसा लग रहे हैं, जैसा वो बाला बाला ये डांस था उस तरह से लग रहे हैं, लड़ाई करते हुए भी कुछ उसी अंदाज में नजर आ रहे हैं। तो ये तो पृथ्वीराज की बात है। अब अक्षय कुमार लग रहा है कि वो डर चुके हैं। एक तमिल फिल्म आई थी साल 2018 में रथ शासन, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी। अक्षय कुमार ने पहले कहा था कि वो किसी भी रीमेक में काम नहीं करेंगे, लेकिन बाद में हफ्ते भर बाद ही ये न्यूज़ आती है कि अक्षय कुमार तमिल की एक फिल्म रथ शासन के रीमेक में काम कर रहे हैं जिसका नाम है मिशन सिंड्रेला। अब मिशन सिंड्रेला जो है इसे थिएटर में रिलीज किया जाना था एक फिल्म के तौर पर, लेकिन अब कहानी ऐसी है कि इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर वेब सीरीज के तौर पर लॉन्च किया जाएगा। अब कुछ लिमिटेड एपिसोड के साथ इसे वहां पर लॉन्च किया जाएगा, इस तरह की प्लानिंग चल रही है। मतलब एक बेहतरीन फिल्म का किस तरह से बड़े लेवल पर कचरा करना है ये अक्षय कुमार की टीम ने डिसाइड कर लिया, खुद अक्षय कुमार ने भी। फिल्म है, फिल्म की तरह बना लेते तो शायद चल भी जाती। इसे वेब सीरीज का नाम देकर एक 2.5-2 घंटे की फिल्म को आप एपिसोड के हिसाब से, अगर 40 मिनट का भी एक वेब सीरीज का एपिसोड होता है तो आप 5-6 एपिसोड तक घसीट कर उसे ले जाओगे, कहानी वही रहने वाली है, तो उसमें आप नया क्या करोगे? जबरदस्ती चीजों को खींचोगे, बढ़ाओगे, एक्स्ट्रा फुटेज डालोगे उसमें जिसका कोई मतलब निकल कर आने वाला नहीं है, क्योंकि फिल्म की कहानी हर किसी को पता है। अब उसमें आप एक्स्ट्रा एलिमेंट डालकर, मिर्च मसाला लगाकर जो भी दिखाना चाहो वो बोरिंग ही लगने वाला है। तो मिशन सिंड्रेला ओटीटी पर लॉन्च करके अक्षय कुमार की ये जो फिल्म मेकर हैं, जो भी लोग हैं, ये प्रोड्यूसर वगैरह अपना पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन ये डर जरूर बैठ गया है कि इसे थिएटर में रिलीज किया जाएगा तो ये वाकई में फ्लॉप हो जाएगी, और जब पृथ्वी राज जब आएगी ये डिसाइड कर देगी कि अक्षय कुमार के करियर का आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हर कोई इस फिल्म को बहुत बड़ी फ्लॉप बनाने की तैयारी में जुट चुका है।